पहले विजुअल दे दो आपके। मुस्कान जी यहाँ पे सामने बिल्कुल आ गए। मुस्कान जी किसी को नहीं मिला लाइट की वजह से, दिख ही नहीं रहा। As always beautiful. Thank you. राइट साइड पूछना है भगवान कोई दुख दे नहीं, बट आई एम वेरी मच हैप्पी टू बी इन्वॉल्व इन ऑल हिज हैप्पीनेस एंड आई विश हिम ऑल द वेरी लक एंड आई एम सो हैप्पी टू सी हिम ग्रो एंड विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मे गॉड गिव यू व्हाटएवर यू विश टू एंड आई लव यू ऑलवेज एंड थैंक्स ऑलवेज फॉर बीइंग देयर हमेशा। इसके अलावा मैं बात करूं आमिर की, कोई ऐसी बात है जो काफी अच्छी लगती हो उनके बारे में अगर कुछ बताना चाहो? सॉरी, कोई ऐसी बात है जो आपको काफी अच्छी लगती हो आमिर के बारे में अगर बताना चाहो? क्या नहीं अच्छी लगती है, बस अच्छी ये नहीं लगती है, आई वॉन्ट हिम टू गेट कमिटेड बट एंड गेट मैरिड सून मे बी, आई मीन अकॉर्डिंग टू हिज एज, बट दैट इज नॉट हैपनिंग, सो अ लिटिल अपसेट, बट ठीक है, एक भाभी तो चाहिए, मे बी इन द नेक्स्ट ईयर मे बी। मेरी मम्मी भी एक्चुअली मेरे पीछे लगी हुई है कि आमिर शादी करो, क्योंकि मेरे छोटे भाई ने शादी कर लिया है, फैजल एंड रुबीना, उनकी शादी हो गई और अभी मेरी मम्मी पीछे लगी है, तो मेरी मम्मी मेरे हर दोस्तों को कॉल करती है कि आमिर को बोलो शादी करने के लिए। यार मैं बोल रहा हूँ कि अभी बहुत कुछ है लाइफ में देखने को, सेटल हो जाओ, इतना पैसा बना लो कि आगे पीछे किसी को टैग ना देखना पड़े। एग्जैक्टली उसके बाद फिर सच बताओ मैं इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, आई एम टेकिंग अ ब्रेक मे बी इन द नेक्स्ट वन वीक, सो दैट्स इट, फिलहाल सिर्फ एक ब्रेक चाहिए और कुछ नहीं। इसके अलावा हाल ही में 10 दिन पहले एक घटना घटी थी, मैं तुषार शर्मा की बात कर रहा हूँ, एक लव स्टोरी डिप्रेशन से बात हो रही है और लव स्टोरी डिप्रेशन तो बोले तो काफी वो हाँ, यू जस्ट वॉन्ट टू नो वॉट माई व्यू इज ऑन दैट। सो बेसिकली सबसे पहले आई मीन आई थिंक सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन, सबसे पहले गलती मतलब उनको एटलीस्ट खुद इतना स्ट्रांग होना था कि ये कदम नहीं उठाना था। नथिंग इज़ वर्थ गिविंग अप योर लाइफ, बट वो जहाँ पर भी है वो बस खुश रहे, मेहर सो रहे, ओ या विश हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे, बट जो भी आई डोंट नो, बस दैट्स इट, आई थिंक सुसाइड इज़ नो ऑप्शन। उसके अलावा आई टेल यू गाइस समथिंग, अ वेरी स्ट्रांग गर्ल हु हैज़ फेस्ड हर लाइफ विद करेज एंड डिटर्मिनेशन, आई हैव सीन हर इन अ गुड इन अ बैड एंड एवरी वे राउंड and she is a great example for everybody ki life ko itne strongly handle karke and she is growing superb, so ye cheeze unki pasand aati hai meko and jeeta jata example khada hai, to bolte na ki hamesha life ko strongly face karo, aage badho, bahut sare darwaze tumhare paas, ek acha darwaza choose karna hai। बहुत से लोगों का ब्रेकअप्स होता है तो मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ ओवरकम हो सकती है, एवरीथिंग इज़ इन दी हेड, अगर आप माइंड में सोचोगे कि ये चीज़ मैं कर सकती हूँ, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं, हाँ थोड़ा वक्त लगता है, डिफिकल्ट है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। ब्रेकअप हो कुछ भी हो, हर चीज़ का एक रास्ता होता है, थोड़ा वक्त लगता है, हर वक्त एक जैसा नहीं होता है, तो यू कैन ओवरकम इट। आई मीन ऑफकोर्स रिलेटेड टू माई पास बहुत सारी चीज़ें हुई है, बट बाई द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव कम आउट ऑफ इट एज अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, एज अ बेटर पर्सन, तो बस जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग, दैट्स इट। और बाकी हम लोग भाई बहन है एक दूसरे के लिए। एक्चुअली ये एक हमारी प्यारी दोस्त है सानिया जी, वो मतलब प्यारी बहन जैसी अपनी, उन्होंने मेरे को ये अपने हाथ से पहनाया एंड बोला कि ये आपको बहुत सूट करेगा एंड शी वॉन्ट्स मी टू शाइन लाइक दिस, सो ये उसका मतलब। थैंक यू सो मच गाइस, केक काट लेते शाहिद भाई, शाहिद भाई केक 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 केक, हाँ हाँ ले लो ना, बूम ले लो, एक कटिंग।
बस एक ही था।